नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टी टाइम गॉसिप्स पर। मित्रों, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। ताजा मामला यह है कि बेधड़क होकर सवालों का सामना करने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रातों रात गायब हो गए। आखिर बाबा बागेश्वर क्यों और कहां गायब हो गए, जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। दोस्तों, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रातों रात गायब हो गए और उनके आश्रम को भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मिली जानकारियों के अनुसार धीरेन्द्र 24 घंटे से भी ज्यादा अज्ञातवास में रहे। ऐसे में सवाल उठने लगे कि आखिर बाबा का नया मिशन क्या है। मिली जानकारियों के अनुसार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम से 28 जनवरी की रात 10:50 पर खजुराहो और 12 बजे छतरपुर जिले से 35 किलोमीटर दूर गड़ा गांव के आश्रम पहुंचे, लेकिन वह रहस्यमय तरीके से 25 जनवरी की रात 12 बजे छतरपुर जिले के गड़ा में स्थित अपने आश्रम से गायब हो गए। जबकि कुछ घंटे पहले ही मीडिया से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताया था कि वह अब प्रयागराज जाएंगे और तमाम साधु संतों को निमंत्रण देंगे। ये निमंत्रण 13 फरवरी से बागेश्वर धाम गड़ा में शुरू होने जा रही रामकथा और यज्ञ में शामिल होने का था। इसी रामकथा के दौरान 18 तारीख को 121 कन्याओं की शादी भी होनी है और 19 को यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। 26 जनवरी को मीडिया टकाटकी लगाए बाबा का इंतजार प्रयागराज में कर रही थी, लेकिन देर रात तक बाबा का पता नहीं चला कि वह कहां है। रात तक खबरें आती रहीं कि बाबा बनारस में मौजूद हैं और वहां से मथुरा भी जा सकते हैं और चित्रकूट में भी संतों का निमंत्रण दे सकते हैं, लेकिन बाबा किसी को ढूंढे नहीं मिले। बाबा 36 घंटे 30 मिनट बाद उत्तराखंड में पाए गए, जहां से उन्होंने ट्वीट किया। धीरेन्द्र ने ट्वीट कर कहा, आज 27 तारीख है, 2 से 3 दिन की यात्रा पर निकले हैं। बाबा की कृपा से जो यज्ञ होने जा रहा है उसमें सभी स्थानों को, तीर्थों को, संत महापुरुषों को आमंत्रण देने के लिए हम निकले हैं। सभी पागलों से हम यह कह रहे हैं कि बहुत जल्दी बागेश्वर धाम आ रहे हैं, आप इंतजार कीजिए और सनातन का झंडा गाड़े रहिए। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री स्वामी रामदेव के पतंजलि योगपीठ के हरिद्वार स्थित आश्रम पहुंचे थे, जहां उन्होंने आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात की। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उन्हें और रामदेव को बागेश्वर धाम आने का न्योता भी दिया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और आयुर्वेद की बड़ाई करते हुए नजर आ रही हैं। वहीं बालकृष्ण ने भी उन्हें अपना छोटा भाई बताते हुए वैदिक संस्कृति और सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने वाला बताया है। सूत्रों के मुताबिक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आचार्य बालकृष्ण के साथ साथ दूसरे साधु महात्माओं से भी मिले और उन्हें भी 13 फरवरी से 19 फरवरी तक होने वाले महायज्ञ में शामिल होने का निमंत्रण दिया। इसके बाद 28 तारीख की रात 10:50 पर खजुराहो एयरपोर्ट पर बाबा अपने नए मिशन के साथ लैंड हुए। नया मिशन भी साफ है कि राम कथा, हनुमत कथा के साथ साथ बाबा ने धर्म युद्ध छेड़ दिया है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना करने में लगे हैं। अपने विरोधियों को शांत करने के लिए बाबा अब हिंदुत्व और सनातन धर्म का पताका फहराने के साथ साथ तमाम साधु संतों का भी समर्थन चाह रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद को बाबा कहलाना पसंद नहीं करते, ना वो दाढ़ी रखते हैं और न ही गेरवे वस्त्र में रहते हैं। वह बेहद चमक दमक वाले कपड़ों के साथ नए अंदाज में दिखाई देते हैं। इसके अलावा वह सिर पर महाराष्ट्र के पेशवाओं की तरह टोपी पहनते हैं। वह मैसेज देना चाहते हैं कि वह मॉडर्न संत हैं, जो शिवराज के बुलडोजर से लेकर लव जिहाद तक, रामचरितमानस से लेकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात भले ही करते हैं, लेकिन अब वो राम कथा तक सीमित नहीं है। वह कैंसर का हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं और 18 फरवरी को 121 कन्याओं का विवाह भी कराएंगे। शायद इसी वजह से बाबा जल्दी ही हिंदुत्व की अलख जगाने की नई भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। यूपी के सीएम योगी के समर्थन की उम्मीद में उनसे मिलने का भी टाइम मांग रहे हैं। बताया जा रहा है कि सीएम योगी से उन्हें 27 तारीख को मिलना था, लेकिन व्यस्त होने के कारण योगी उनसे नहीं मिल पाए। अब ये मुलाकात अगले 2 से 3 दिन में होने की उम्मीद है। दोस्तों, इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। साथ ही ऐसी आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल टी टाइम गॉसिप्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।